झोला छाप मतलब गांव का डॉक्टर। ये शब्द पलामू में चर्चित होता ही जा रहा है, जिनका काम था हल्की फुल्की सर्दी खांसी बुखार का इलाज करना, दुर्घटना पर प्राथमिक इलाज कर उन्हें रेफर करना या कहें फर्स्ट एड। मगर धीरे धीरे सर्दी खांसी बुखार चोट मोच का इलाज करते इन अधूरे ज्ञान वालों की हिम्मत इस कदर बढ़ती जा रही है और पैसे की लालच यहां तक पहुंचा दी है कि वो सर्जरी का भी काम करने लगे और सर्जन बन आए पढ़े लिखे चिकित्सकों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। यह हकीकत है पलामू के पाकी छतरपुर हरिहरगंज पांडू रामगढ़ समेत सुदूरवर्ती इलाकों में, जहां डिलीवरी से लेकर पथरी हॉर्निया का ऑपरेशन भी धड़ल्ले से करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो रहा है और मीडिया में आए दिन खबरें सुर्खियां बन रही है। मगर मजाल है कि इस पर लगाम लग पाए। ऐसा मामला लगातार लेस्लीगंज पाकी के इलाके में देखने सुनने को मिल रहा है। अब यहां तो इलाज करते करते लोकप्रियता बटोर जनप्रतिनिधि भी बन जा रहे हैं और जब जनता दूसरी बार नकार दे रही है तो फिर इलाज का सर्वव्यापी धंधा तो है ही। ऐसा ही मामला सामने आया है लेस्लीगंज के नौडीहा पंचायत से, जहां पूर्व मुखिया मोहम्मद आलम प्रसूति महिला का इलाज 2 हफ्तों तक करते रहे और जब स्थिति खराब होने लगी तो जिला मुख्यालय लाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां महिला की मौत हो गई। डिलीवरी हुआ अच्छे ढंग से, निर्मल डिलीवरी हुआ। किसका? विमला देवी का। अच्छा, इसके बाद ठीक रहा, इस बच्चा स्वस्थ रहा तो बच्चा के ले गए हॉस्पिटल में, प्राइवेट में ही। उसको आठ दिन बंद रहा शीशे में, उसके बाद निकासी हुआ शुक्रवार को ले गए, शुक्रवार को निकासी दिया। इसके बाद फिर डेट में लड़की 2-3 दिन खोखा, अभी इसके बाद मौत आ गया। तो उसका इलाज कौन कर रहा था? इलाज तो आलम कर रहे थे, आलम जी कर रहे थे। ले गए थे, कहाँ ले गए? डॉक्टर ले गए, कौन हॉस्पिटल है हमको मालूम नहीं है। कौन कौन गया था उनके साथ? राजन गया था, वही दोनों गया था। मामला यही सुई दवा हुआ, फिर सुई दवा करते करते बोला आलम डॉक्टर यहाँ नहीं होगा, ले चलो डालेंगे भर्ती करते हैं। मैंने सारा उचारा सब चीज हुआ, आया फिर गए आलम के भी, फिर दवा दिए, फिर वैसा ही कर रहा है। कैसे क्या होता था? मैंने खोखी टाइप पे होता था उसका। अच्छा। मैंने शरीर पूरा डोल जाता था उसका। अच्छा। इसे बोलते बोलते बोल रहा है फिर सरकारी में ले जा। मृतका के परिजनों की माने तो गरीबी की वजह से पैसे के अभाव में मोहम्मद आलम के पास इलाज कराना पड़ा। हालत दयनीय होने पर डाल्टनगंज पहुंचाकर एक्सरे करवाया गया और पैसे की मांग होने लगी। मगर अपने बेटे के डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दिखाने वाले पूर्व मुखिया को इस बात का मलाल नहीं कि किसी महिला की जान चली गई, एक दुधमुहे बच्चे के सर से माँ की ममता छिन गई। उनके लिए तो इलाज और मौत आम बात है, उन्हें तो लगता है कि भारत का कानून फांसी थोड़े ही न दे देगा उसको। या ये मेरा आज का धंधा नहीं है, या मैं उसको केस को खराब करके ले गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ये सोशल वर्क भी है कि हम बोलेरो वगैरह से निकलते हैं तो अगर वैसा जाने वाले होते हैं तो हम उसको मदद कर देते हैं, आर्थिक मदद, शारीरिक मदद, कुछ पैसे से मदद मैं करता हूँ। ये मेरा मेरा नाम डॉक्टर आलम हुआ और मैं 30-32 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वही मेरे पास रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, ये प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस है, उसी अर्थ से मैं इलाज कर रहा हूँ। इसी दरमियान में मैं अपने एक बड़ा लड़का को MBBS बनाया, जो कि RG कौर मेडिकल कॉलेज में MBBS यहीं बैठते हैं। हाँ, यहीं बैठते हैं अभी थे। हाँ नहीं, अभी जस्ट थे, इसका ट्रीटमेंट भर थे, इसके बाद अभी जस्ट ज्वाइनिंग लिए हैं जाकर कोलकाता में। ना तो अधूरे ज्ञान वाले छोला छाप को किसी बात का डर है, ना ही लोगों को सरकारी इलाज पर आस है। ये दोनों ही बातें नौडीहा पंचायत में घटी घटना ने साबित कर दिया। आखिरकार स्वास्थ्य विभाग इनकी जानकारी की जांच एवं इनके कार्यों की समीक्षा और निगरानी की कार्रवाई कर व्यवस्था कब तक दुरुस्त करेगी, इंतजार भी रहेगा और मुहिम भी जारी रहेगी। ब्यूरो कैपिटल न्यूज़।